बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम बनाएंगे कोफ्ते, चिकन कोफ्ते बनाने जा रहे हैं। तो इनके लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको दिखा देती हूँ। इंग्रेडिएंट्स इसमें है 1 किलो चिकन कीमा, 1 अदद एग अंडा और टिन टमाटर है, 1/2 टिन टमाटर, क्रश चिली पाउडर और रेड चिली पाउडर, ग्रीन चिलीज, सॉल्ट टू टेस्ट और ये लहसुन, प्याज और ये कुकिंग ऑयल और कोफ्ता मसाला मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ। फूड प्रोसेसर में 3 अदद प्याज और ग्रीन चिली डाल के फाइनली चॉप कर लेंगे और एक बाउल में कीमा डालकर उसमें चॉप्ड ऑनियन और ग्रीन चिली शामिल कर लेंगे। कोफ्ता मसाला शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून और एग शामिल कर देंगे। एक टेबलस्पून तकरीबन नमक शामिल करेंगे और रेड चिली पाउडर और क्रश चिली। अब मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, इसको गूंद लेंगे। एक पैन में कुकिंग ऑयल डालें और 4 अदद प्याज शामिल कर लेंगे और साथ में गार्लिक भी शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करेंगे। एक पैन में तकरीबन 2 कप कुकिंग ऑयल डालें और अब हाथ पर थोड़ा सा पानी लगाकर थोड़ा सा कीमा लेकर उसे राउंड राउंड घुमाकर गोल बॉल बना लें, छोटे छोटे मीडियम साइज़ के, और उनको फ्राई कर लेंगे फ्राई पैन में। कोफ्ते आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, मीडियम साइज़ के, या बड़े पसंद करते हैं तो बड़े भी बना सकते हैं। अभी इनकी साइड चेंज कर लेंगे, चेक करेंगे नीचे से गोल्डन ब्राउन हुए हैं कि नहीं। हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसमें अब टमाटर शामिल करेंगे। क्रश चिली और रेड चिली पाउडर और ग्रीन चिलीज। हाफ पैकेट कोफ्ता मसाला मैंने इस्तेमाल किया है। और इसमें 1 कप पानी डालकर मिक्स करेंगे। अब इस मसाले को मैं हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। स्मूथ पेस्ट बन जाएगा आपके इस ऑनियन मसाले का। ये देखें कोफ्ते गोल्डन ब्राउन हो गए हैं।
ایک باؤل میں آپ ٹیشو پیپر رکھ لیں اور ان کو نکال لیں باؤل میں. اب ان کوفتوں کو ہم شامل کریں گے مسالے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور مکس کر لیں گے. ان کو تھوڑی دیر بھونا ہے, تقریباً میں نے 10 منٹ. اور اب اس میں بوائلنگ واٹر ڈال رہی ہوں. جتنی آپ گریوی بنانا چاہتے ہیں اتنا آپ پانی شامل کر لیں اپنی مرضی سے. میں نے تقریباً 4 کپ شامل کیا تھا اور اس کو 15 منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا. اب یہ دیکھیں ریڈی ہے. ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے. ہمارے کوفتے ریڈی ہیں ماشاء اللہ سے, بہت اچھے بنے ہیں. آپ بھی میرے طریقے سے بنائیں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کے کیسے بنے ہیں. یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجیے گا, انشاءاللہ آپ کو اچھی لگے گی. اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو تھمز اپ کریں اور لائک اینڈ شیئر اینڈ سبسکرائب کریں پلیز. یہ میری پہلی ویڈیو ہے, اگر کوئی کمی پیش رہ گئی ہو تو اگنور کیجیے گا پلیز. اور تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.